हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शबी, कुक स्वीट शबी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी भिंडी। ये एक क्विक बनने वाली रेसिपी है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं वो हमने ऊपर सबटाइटल्स में मेंशन कर दिए हैं। आइए चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल को डालकर गरम करेंगे, और जब वो ऑयल हल्का गरम हो जाएगा तो उसमें हम 1/2 चम्मच ज़ीरा डालेंगे, और फिर ज़ीरा हल्का सा ब्राउन होने पर उसमें हम जो कटी हुई हमारी चॉप की हुई प्याज थी उसको डाल देंगे, और उसको बहुत लाइट ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। हमारी प्याज अब हल्की ब्राउन हो गई है और अब हम इसमें जो हमारी कटी हुई मिर्चें थी उनको डालकर थोड़ा चलाएंगे। मिर्चों को हमने 5-6 सेकंड चला लिया है और अब हम इसमें अपनी कटी हुई भिंडियों को डालेंगे और उन्हें इसमें मिक्स करेंगे। हमारी भिंडियाँ अब अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं और अब हम इसमें टमाटर को डाल देंगे और उसको भी मिक्स करेंगे। और अब हमने टमाटर को भी मिक्स कर लिया है और अब चलिए डालते हैं स्पाइसेस। सबसे पहले हम टमाटर के बाद डालेंगे नमक। नमक हमें अपने टेस्ट के अनुसार लेना है, आप जितना खाते हैं उतना डालिएगा। और उसके बाद लेंगे 1/2 चम्मच से थोड़ा कम रेड चिली पाउडर, और फिर डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच बेसन, ये रोस्ट किया हुआ बेसन है, हमें कच्चा बेसन नहीं डालना है, रोस्ट किया हुआ डालना है, और 1/2 चम्मच से थोड़ा कम हम गरम मसाले का पाउडर डालेंगे और इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। भिंडियों को और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और फिर अब हम चम्मच को रख देंगे और इनको ऐसे ही उछाल कर थोड़ा फटक कर इन्हें ऐसे ही मिक्स करेंगे। अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे, हमें 1 नींबू का रस डालना है ताकि इनका कलर भी ग्रीन बना रहे और इसमें भिंडियों में जो लस्सा आ जाता है वो नहीं आए, ताकि ये खिली खिली बने। हमें पूरे 1 नींबू का रस, बड़ा नींबू लिया है हमने, और उसका रस ऐड कर रहे हैं और इसे थोड़ा सा मिक्स करके इसको भी हमें ऐसे ही मिक्स करना है। अब चम्मच को हमें इसमें नहीं लगाना है, लगाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, लगभग 1/2 कप के करीब, और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके बस स्लो आंच पर ऐसे ही 10 मिनट तक पकते रहने देना है, और 10 मिनट बाद पानी भी खुशक हो जाएगा और हमारी भिंडियाँ भी गल जाएंगी। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, हमारी भिंडियाँ लगभग तैयार हो गई हैं। अब इसमें पानी भी नहीं है और कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब हम इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। गाइस, आपको हमारी भिंडी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।